शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस बात की सजा मिल रही है मुझे? अब और इंतजार नहीं होता। अब तुम्हारा इंतजार हुआ खत्म। सरप्राइज। ये सब तुमने अकेले किए? वाह रोशन, मैं सच में ना बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिलने वाली है। अच्छा वो सब ठीक है, आओ बैठो। मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया, चख के बताओ कैसा बना। पक्का पिछले जन्म में ना मैंने किसी का बहुत भला किया होगा, जो इस जन्म में मुझे इतने पुण्य मिल रहे हैं। सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा, और क्या चाहिए? श्रद्धा, सॉरी। श्रद्धा को मेरी वजह से चोट लग गई ना, इसलिए एक बार देख के आता हूँ। मैं बस अभी आ जाऊंगा वापस। आता हूँ। अब देर नहीं लगाऊंगी कुणाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में और कीर्ति के सामने सारी सच्चाई लाकर रहूंगी। श्रद्धा, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती तुम? थोड़ी देर पहले मेरा पीछा कर रही थी, फिर पैर में मोच आ गई। ये नहीं कि बैठ के आराम कर लो। मैडम घूमने जा रही है। कहाँ जा रही हो? क्यों बताऊं मैं आपको? आप मुझे अपनी कोई बात बताते हैं? और मुझे भी कोई जरूरी काम हो सकता है ना? ऐसा क्या जरूरी काम है तुम्हें जो पीटी उषा बन के घूम रही हो? आप पहले ही मुसीबत में हैं, अब और मुसीबत आपके सर नहीं डाल सकती।
क्यों मैडम, आज के सवाल का जवाब ना आज ही देना है, कल नहीं। कहाँ जा रही हो? नहीं बताऊंगी, आप मुझे कुछ बताते हैं कभी? ठीक है, मत बताओ। मैं भी वही करूंगा जो तुम करती हो, तुम्हारा पीछा करूंगा मैं। ये कोई बात नहीं होती है। यही बात होती है। अभी कुछ दिन पहले तुम पे हमला हुआ है, हमलावर का पता नहीं चला है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अभय तो अकेले छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, क्या करूं? मैं अपने कमरे तक जा रही हूं, अब आप वहां तक भी मेरा पीछा करेंगे क्या? अबे जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो तो फिर इतने दिनों से मुझे क्यों लटका रखा है? रोशनी कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है अबे, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है जब वो श्रद्धा हमारे बीच में नहीं आती है। तुम्हें सिर्फ उसी की परवाह है ना, वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, ठीक है या नहीं, लेकिन मेरा क्या? मैं तो तुम्हें दिखाई नहीं देती। क्या बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ, जब भी तुम्हारे पास आती हूँ ना तो अपना नाम नहीं उस श्रद्धा का नाम सुनती हूँ मैं। वैसे कैसा रहेगा, मेरे मुंह से अगर किसी दूसरे आदमी का नाम सुनोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? जान से मार दूंगा उसे। रोशनी मुझे माफ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। अबे मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, अब कुछ भी नहीं। रोशनी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अरे तुम जानती हो इन दिनों घर पे क्या चल रहा है, और खास तौर पे श्रद्धा के साथ। उसको ठीक करने के लिए मुझे कुछ दिन और चाहिए। एक बार वो हमलावर पकड़ा जाए, उसका चेहरा मैं सबके सामने ले आऊं, फिर देखना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी जुबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। चल कह रहा था मेरी पीठ के पीछे यहाँ, मैंने बोला था मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, और तुम लोग एक लड़की का खून करने जा रहे थे। किसने फैसला लिया, वो भी मुझसे बिना पूछे? आखिर हिम्मत कैसे हुई तुम में से किसी की भी? राजा बना फिरता ना तू? हाँ भाई, गोंडा का राजा। बता कौन गया मेरे खिलाफ? बोल। मैं बताता हूँ बॉस, कुनाल, कुनाल शर्मा करके एक छोकरा है बॉस, वो ना पुल्लू की गैंग का नया आदमी है बॉस, उसी ने जब पुल्लू को पैसा दिया था बॉस ये काम करने का। बॉस मैं हूँ तुम सबका, कोई कुनाल या आयरा गहरा नहीं, समझा? बॉस के सर पे तो खून ही सवार है, कुनाल को ना इसके बारे में बताना ही पड़ेगा भाई। अरे अब ये कौन सा टाइम है फोन करने का? अबे मौत के आने का ना कोई टाइम नहीं होता भाई, अपने बॉस को ना सब कुछ पता चल गया तेरे बारे में। हम लोग घर से कनपट्टी में बंदूक रख लिया था, ट्रिगर पर दबाने ही जा रहा था, इसलिए अपने को ना तेरे बारे में सब कुछ बताने ही पड़ा भाई। अरे तू पागल है क्या? अरे अपना पलड़ा झाड़ने के लिए तूने मेरा नाम ले लिया और मुझे फंसा दिया। क्या है? कुछ नहीं, बस खाना लाई थी तुम्हारे लिए। इधर आओ। अभी ही मौका है निकल लेती हूँ, वरना रोशनी और अभय आ गए तो नहीं जा पाऊंगी। ये तो आरती के कमरे से आवाज आ रही है। कुनाली क्या किया तुमने, हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हें पता है खाना फेंकना कितनी गलत बात है? तुम मुझे पाठ पढ़ाओगी सही और गलत का? अपनी औकात में रहो, समझी? बीवी हो, बीवी की तरह चुपचाप कोने में पड़ी रहो, समझी? हटा यहां से। नहीं तो Thank you.
तुम्हारी इतनी हिम्मत? हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई इस घर की बेटी पर हाथ उठाने की? इस घर की बेटी से पहले मेरी बीवी है वो। आरती अपनी भाभी को समझा लो कि पति और पत्नी के बीच में ना बोले वरना। भाभी आप जाइए यहाँ से, मैं संभालूंगी। आप प्लीज चले जाओ। आरती आज तुम बीच में एक शब्द नहीं कहोगी और इससे इसकी औकात तो मैं बताऊंगी। अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुमने सारी हदें पार कर दी है कुनाल, तुम्हारी यह हैसियत सबके सामने लानी पड़ेगी। भाभी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी आरती पर हाथ उठाने की? बोलो। कॉलर छोड़ो मेरा वरना सच में बहुत बुरा हो जाए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई श्रद्धा को धक्का मारने की? गली के गुंडे की तरह तुम अपनी आवाज ऊंची करोगे? हाँ अरे क्या हुआ, चिल्लाने की आवाज नीचे तक आ रही है। इस घर का दामाद हमारी बेटी हमारी आरती पर हाथ उठा रहा था। जिसकी वजह से इस घर में इतने ठाट से रहता है उसी को बंद कमरे में ये मार रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये कभी पकड़ा नहीं गया, जिस वजह से इसकी हिम्मत और बढ़ गई। वरना ये आरती को मारता पीटता है, उसके साथ बदसलूकी करता है। क्या हाँ आप लोगों जितनी हैसियत नहीं है मेरी, पर आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगाएंगी श्रद्धा भाभी? हाँ रहता हूं मैं आपके घर में, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे प्यार करता हूं। मेरा भरोसा यहां कोई नहीं करेगा क्योंकि इन्होंने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। पर तुम तो सब जानती हो ना, है ना? तो बताओ इन सबको, बताओ इन सबको कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। बताओ इन सबको कि कैसे मैं तुम्हें अपनी पलकों पे बैठा के रखता हूं। पर मैं उसको मारूंगा जिससे मैं इतना प्यार करता हूं। आरती कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। बताओ आरती। कुनाल अरे बताओ ना। कुनाल मैं हाथ छोड़ू, मुझे दर्द हो रहा है। कुनाल बहुत दर्द हो रहा है। तुम जैसे बदचलन आदमी के पुराने कांड हम भूल कर तुम्हें अपने घर में अपने परिवार का हिस्सा बनाए इज्जत दी और तुम हमारी बेटी पर हाथ उठाओगे? अरे हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। कैसे हुई तुम्हारी अरे इतना? एक तो पहले उस दिमाग से ढीले बेटे ने मुझे घर का नौकर बना दिया, और ऊपर से दिन रात इस बेवकूफ आरती की शक्ल देखो जिसका दिमाग ढूंढो मैं। बस बहुत हो गया, अब चुप रहना समझे? लो बताओ नैना भाभी आप भी हिंसा पे उतर आई, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, बुरा मत मानिएगा, इस कीड़े को मारने के लिए
ये चप्पल काफी नहीं है, हम बताते कि मारा कैसे जाता। और तू, वो शौक है ना तुझे मार पिटाई करने का, हाँ? अब तुझे दिखाते हैं मारना पीटना किसे कहते हैं। मेरी औरती को मारेगा तू? औरती को मारेगा? तुझे पता था? हाँ? हमारे मारेगा तू? हाँ? हमारे 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 हे भगवान, नहीं आरती, ये आंसू कमजोरी के नहीं है, एक पत्नी के चुप होने की वजह या तो प्यार या तो डर होता है, और सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ मर्द इसका फायदा उठाते, भावनाओं में उलझाकर अपनी पत्नी को दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। इसलिए हमें पहली ही बार में हमें उसे रोकना होता है, अपनी आवाज उठानी चाहिए। आरती, मैं खुश हूं इस बात से कि तुमने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी, तुमने अपनी आवाज उठाई, और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बस हिम्मत दिखाने की जरूरत है, हम सब हैं तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए। और ये हक किसी आदमी का भी नहीं है कि वो एक औरत पर हाथ उठाए। आप बहुत बहादुर हैं, और बाकी की कसर तुम्हारी ऋतुबुआ पूरी करेगी। इस जहरीले रिश्ते में तुम्हें घुटने की कोई जरूरत नहीं है आरती। आरती बेटा, हम तुम्हें उस कुनाल के साथ नरक वाली जिंदगी में वापस नहीं लौटने देंगे, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। अब हमारी आरती हमेशा खुश रहेंगी, सिर्फ अपने मन की करेंगी और किसी से नहीं डरेंगी। अब तुम नहीं रोओगी, आपको पता है दीदू फिर आई थी, उन्हें देख कर ही ना हमारा खून खौलने लगता है। वैसे कहाँ गए थे आप हमें अकेला छोड़कर? वरुण जी, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे आप। हमसे ज्यादा जरूरी काम क्या था आज आपके लिए? बस करो यार, ना तुम पुलिस में हो और ना ही मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ कि तुम मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रही हो। एकदम चुप। माफ कर दो मुझे, मैं वो थोड़ी टेंशन में था और गुस्सा तुम पे निकल गया। स्वीटू, मेरा कोई ऐसा वैसा मतलब नहीं था, गलती से ये सब बोल दिया मैंने। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत टेंशन में था और तुम समझ सकती हो ना। आपको ना हम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। आप तो, मैं कह तो रहा हूँ कि मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, इसलिए तो माफी मांग रहा हूँ तुमसे। तुम किसी बात को दिल से मत लगाना, मैं बस टेंशन में हूँ और इसीलिए सब हो गया। काम के टेंशन की वजह से आप हमारी नौकरी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। स्वीटू, मेरी बात सुनो, मम्मी को जाके कुछ मत बताना। यार, कहीं ये तैश में आके मम्मी को सब बोलना थे। किसी ने कुछ बताया क्या? घर पे इतना मातम वाला माहौल क्यों? वो एक कामचोर कुनाल, पानी कौन देगा?
ये कुणाल पानी देगा यार, तुम्हें बोला मैंने तुम्हारा नाम कुणाल है, बैठो तुम। बेटा मैंने उसे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया उसे? पापा आपने तो ये एकदम सही काम किया है, काम का नकाज का बस दुश्मन अनाज का है कुणाल। आरती को क्या हुआ, वो ऐसे रोते हुए क्यों भाग गए? मैं जाके देखता हूँ एक बार। रुकिए अबे। मेरी बहन किसी बात से परेशान है, भाई हूँ उसका, जाके एक बार बात करूंगा ना उससे। और ऐसे भी हमारे परिवार में किसी को भी परेशान ऐसे रहने नहीं देते हैं, मैं उसे बात करूंगा, मुझे बता देगी वो। आरती और कुणाल का झगड़ा हुआ है क्या, इसलिए आरती? अबे शांत हो जाओ, हाँ आओ बैठो। श्री पर आरती अभी आओ बैठो। अबे हाँ तुम्हारी बहन है वो, लेकिन वो एक लड़की भी तो है ना, और हो सकता है ना कि डर के मारे हर बात भाई को ना बताना चाहे, तुम उससे बाद में बात कर लेना। अब हाँ अबे वो उसकी एक दोस्त है ना, उससे उसका झगड़ा हो गया है, तभी से वो थोड़ी उदास है। हाँ बेटा, और हमारा मानना है कि थोड़ी देर के लिए उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। हाँ बेटा जब ठीक हो जाएगी तो तुम उसे बात कर लेना। दोस्त से लड़ाई और इतने आंसू, बात तो कुछ और है जो ये मुझे बता नहीं रहे। हे माता रानी प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने परिवार की हर मुश्किल को खत्म कर सकूं। तुम घर के अंदर कैसे घुसे? कहाँ है मेरे परिवार वाले सब? सबको सुला दिया, अब सुबह तक तो कोई उठने वाला है नहीं। तो सॉरी, आपको बचाने तो अब कोई नहीं आ रहा। मुझे तो मार दोगे कुणाल, लेकिन जानते हो तुम खुद भी नहीं बच पाओगे। आप तो बस अपनी चिंता कीजिए भाभी जी, क्योंकि आपके साथ साथ मेरे खिलाफ सारे सबूत भी चल जाएंगे। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।